तो हेलो सर, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूँ, तो आज मैं अपडेट देने वाला हूँ एयर पंप का, जो तकरीबन 4 महीने हो चुके थे लेके। साइलेंट एयर पंप मैंने कहा था लास्ट टाइम, मैंने इंस्टॉल किया 2 टैंक इसमें रन कर सकते हैं साइलेंट एयर पंप करके। उस टाइम पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चाइना प्रोडक्ट्स है, ज़्यादा चलेगा नहीं करके, और 2-3 लोग भी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक तकरीबन 4-5 बार मैसेज किया था कि भाई जो आपके पास एयर पंप है वो कैसा है, उसके ऊपर अपडेट दो, अभी वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि हम लोगों को भी लेना है। थोड़ा अपडेट दे देंगे तो हमको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कि साइलेंट है और बहुत फास्ट चलता है और बैटरी भी बहुत कम लेता है टाइम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है। तीनों चीज़ों का वादा किया है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, एज पर बॉक्स पैकिंग बोल रहा हूँ मैं। एयर पंप जो ऑनलाइन से आप ले सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया था, 650 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। ऑनलाइन से लेता 700-800 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रखा हुआ मैंने, यहाँ पर पिलो के नीचे रखा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है, एंगल के ऊपर रख दूंगा मैं, तो क्या होगा ये एंगल के ऊपर साउंड होता रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, अगर मैं पिल्लो निकालता हूँ तो देखिए यह टच होकर साउंड होता रहेगा। तो देखिए साउंड लेस है, बहुत साउंड कम आ रहा है। अगर आप नॉर्मल एक एयर पंप यूज़ करते हो, जैसा मेरे पास यहाँ पर है, तो देखिए ये नॉर्मल वन है। अगर नॉर्मल वन अगर आप जो आता है 70-80 रुपीज़ मिलता है, 100 रुपीज़ मिलता है, अगर ये पिल्लो के नीचे रखते हैं तब भी साउंड आएगा, इस तरह का साउंड आएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास इंस्टॉल किया हुआ है, ये बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। साउंड यहाँ पर थोड़ा बहुत आता है जो बबल्स आ रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम पे कोई बबल साउंड नहीं आता है। तो ये 750-900 रुपीज़ में आता है। मैं यही कंपनी का लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसमें अलग अलग कंपनी के, बहुत अलग अलग कंपनी के ऐप आते हैं, जिसमें आप आजकल जो है इनबिल्ट बैटरी का मिल रहा है, जो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी आप उसको 6-5 घंटे रन कर सकते हो, ऐसा वाला मिल रहा है, 700-900 रुपये तक मिल रहा है आपको। वो वाला ले लो, अगर आपके नियरेस्ट रिक्वेस्ट में मिल जाए तो ले लो, वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, जो बैटरी ऑपरेटेड एयर पंप है, आपको 900 रुपये से अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। वो वाला लेकर रख लो, क्योंकि वो नॉइसलेस भी होता है, साउंड बहुत कम आता है, और एक एयर पंप से आप 2 से 4 एक्वेरियम्स को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2 नॉजल्स होते हैं। दोनों नॉजल्स को डिवाइड करके एक नॉजल्स 2 एक्वेरियम को डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से 4 एक्वेरियम्स आप उसमें रन कर सकते हो। और बैटरी जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आजकल समर का सीज़न है तो गर्मी का मौसम है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जाती है, तो उस टाइम पे आप 6 घंटे चला सकते हो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पर मैं 2 एक्वेरियम चला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक फ्लोवान की टैंक है, जिसमें फ्लोवान है, और ऊपर जो है आर ओना है। बबल्स देखिए कितना ज़्यादा आता है, मैंने मीडियम में रखा हुआ है, अगर इसको फास्ट कर दूँ तो और ज़्यादा आएगा, क्योंकि मीडियम में रखा है बस काफ़ी है, क्योंकि 2 ही टैंक्स है। अगर मैं फास्ट में रखूँगा तो और भी ज़्यादा बबल्स फुल फास्ट आएंगे, इससे फिशर्स को डिस्टर्बेंस भी होगी, फिशर्स थोड़ी बहुत डर भी जाएगी, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ में, मीडियम प्रेशर में रखा है। तो अगर आप एक एक्वेरियम रख रहे हैं, आपके घर में बहुत साउंड आ रहा है और आप परेशान हैं साउंड से, रात में नींद नहीं कर पा रहे और एयर बबल्स से साउंड आता है, तो इस तरह एक नॉइसलेस एयर पंप ले लें, कोई भी ले, कोई कंपनी का भी ले। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या कोई भी नहीं है, अपने हिसाब से जो सही लगे ले लें। लेकिन मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आजकल मार्केट में बैटरी ऑपरेटेड कार है, जैसे कि इनबिल्ट बैटरी रहती है उसके अंदर, अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बिजली जाती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी काम करने शुरू हो जाता है, तो वो वाला ले लें। आजकल वो बहुत चल रहा है, 700-900 रुपये तक मिल जाएगा आपको, वो वाला ले, बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया, वो वाला ले लो। अगर घर में परेशान है, अगर वो डालकर देखो, एक्वेरियम फिल्टर डालकर देखो, एक्वेरियम एयर पंप, तो घर में साइलेंट रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वरना बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं, मेरा एक दोस्त है जो उसके अंदर, उसने एक्वेरियम को निकाल दिया, एक दोस्त से बहुत सालों से, तकरीबन 3-4 सालों से एक्वेरियम को रखा हुआ था, लेकिन बाद में निकाल दिया। मैंने पूछा भाई एक्वेरियम क्यों निकाला, तो बोलता है कि भाई साउंड बहुत आता है, रात में सोने नींद नहीं आती है, बहुत परेशानी होती है, घर में सब साउंड आता है, तो इसलिए एक्वेरियम को ही निकाल के बेच दिया, एक्वेरियम किसी दूसरे को दे दिया। तो ऐसा होता है, अगर आप साइलेंट डाल लेते हैं, साइलेंट एयर पंप, तो आपको साउंड ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा घर के अंदर एक्वेरियम चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत साउंड आता है, कोई भी 100% कोई भी कंपनी प्रूफ नहीं देती है कि फुल साइलेंट हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो साउंड आएगा, और इतना साउंड तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। नॉर्मल जो एयर पंप आते हैं वो शायद बहुत ज़्यादा होगा, आपको नॉइज़ी होगा, परेशान होंगे, लेकिन जो साइलेंट आते हैं तो वो आप बर्दाश्त कर सकते हो, थोड़ा बहुत आएगा, जैसा फ़ैन चल रहा है घर के अंदर, थोड़ा बहुत साउंड आता ही है, फ़ैन चलते चलते भी आपको नींद आ जाती है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत नॉइस आएगी। तो इस तरह ले लो, बहुत बेटर है, क्योंकि घर में कोई ताने मारेंगे, बच्चे, अगर आप घर में माँ बाप ताने मारेंगे या कोई भी, कोई ना ताने मारेगा, इसलिए बेटर है कि आप इसको अपग्रेड कर लो, अपग्रेड का टाइम है अभी भी, अपग्रेड कर लो, और घर वाले भी खुश हो जाएंगे और फिशर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आजकल जो एयर पंप मिल रहे हैं वो
सेविंग एनर्जी वाले मिलते हैं। पहले टेक्नोलॉजी अलग थी, अब की टेक्नोलॉजी अलग है। पहले की टेक्नोलॉजी तो थी 70 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में जो एयर पम्प मिलते हैं, उसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेती है। अभी जो आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कंजप्शन कम लेता है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से वो वर्क करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से बना जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक नया एयर पम्प ले लो, कोई भी लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही लो जो मैंने लिया हुआ है, ये मैंने लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो। सॉइनलेस एयर पम्प, नॉइसी एयर पम्प जो सॉरी सॉइनलेस एयर पम्प आता है वो ले लो। बैटरी ऑपरेटेड का ले लो, बैटरी ऑपरेटेड आता है वो ले लो, विदाउट बैटरी वाला मत लो, बैटरी ऑपरेटेड वाला ले लो। इससे आपकी घर भी साइलेंट रहेगा, फिशेस भी सेफ रहेगी। आई होप मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता था वो क्लियर कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो में समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की अपडेट्स लाता रहता हूँ फीचर्स के ऊपर। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।